मुरादाबाद महानगर में दीपावली पर्व के उपलक्ष्य में समाज में जागरूकता के संदेश देने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। मुरादाबाद शहर के सिविल लाइन्स स्थित पीएमएस पब्लिक स्कूल में दीपावली पर्व के महत्व पर बच्चों की फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता का आयोजन कराया गया, जिसमें बच्चों ने धार्मिक वेशभूषा में पहुंचकर सभी को संदेश देने का काम किया। सभी बच्चों ने बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए रामलीला मंचन भी आयोजित कराया गया, जहां पर यह संदेश दिया गया कि भगवान श्री राम ने हमेशा सत्य का साथ देने के साथ साथ सनातन धर्म की रक्षा की। इन सभी बातों को ध्यान में रखकर बच्चों ने संदेश देने का काम किया। बच्चों द्वारा दिए गए संदेशों को देखकर सभी शिक्षिकाओं के साथ विद्यालय के प्रधानाचार्य ने उनकी सराहना की और बच्चों को दीपावली पर्व के उपलक्ष्य में उपहार देकर सम्मानित किया। चैनल संवाददाता से बात करते हुए पीएमएस पब्लिक स्कूल के प्रधानाचार्य ने बताया कि विद्यालय में बुराई पर अच्छाई की जीत के विषय पर बच्चों द्वारा संदेश देने का काम किया गया। दीपावली पर्व को हर्षोल्लास के साथ मनाने के लिए भी संदेश दिए जा रहे हैं। हमारा मकसद यही है कि बच्चों को भारतीय संस्कृति के अनुरूप तैयार किया जाए, जिससे बच्चे अपने संस्कारों को जान सकें। इस अवसर पर उन्होंने मुरादाबाद के सभी नागरिकों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं दी। A program called Character Portrayal from Ramayana, and the main purpose of holding such kind of competitions is to make the children aware of the two great epics of India, that is Ramayana and Mahabharata, and they really acted or they portrayed themselves as different characters of Ramayana, and they were very happy and they wanted that this sort of competitions would make them realize that they know their religion and at the same time they know what to do, and at the same time they all want to be on their own, means self-dependent. Of festivities, Dashara has already been completed and Diwali is coming. These youngsters, they should know the culture of India and they should grow up following the culture and the rich traditions of this nation. Sir, आगे भी ऐसे work कार्यक्रम किए जाएंगे बच्चों के बीच में? Even in the days to come, we have such kind of competitions for the right from junior level to the senior most level. Every now and then we conduct such kind of programs for the children so that they become globalized citizens of the world.